दोस्तों हम हैं आपको लेकर बैंड्रा में जितने भी कलाकार दोस्तों मुंबई शहर में बसे हुए हैं उन सभी के घर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम हैं बैंड्रा वेस्ट में, ये है महबूब स्टूडियो। जितने भी कलाकार बैंड्रा में रहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और जितने भी खान हैं, संजू बाबा हैं, जितने भी बैंड्रा में रहते हैं और जितने भी जुहू में रहते हैं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सभी फिल्मी सितारों के घर आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अब हम आपको सबसे पहले जो हैं आपके कलाकार उनके यहाँ पर लिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेकी श्रॉफ को आप जानते होंगे और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को ये हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ यहाँ पर आ जाती है माउंट मेरी चर्च के लिए, जैसे ही जाते हैं आपने दोस्तों इन सीढ़ियों को देखा होगा, ये स्टेयर्स, और जस्ट बिल्कुल राइट साइड में आपको नीचे चलना है सबसे पहले, और थोड़ा आगे चलने के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, इसके पश्चात कौन से कलाकार का घर आता है ये हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। और ये बिल्डिंग को आप ये देख लीजिए, सामने दिख रही है दोस्तों, इसे वास्तु बैंड्रा के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है, ये देख लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टाइगर श्रॉफ, जेकी श्रॉफ रहते हैं यहाँ पर 7th फ्लोर पर दोस्तों, और बहुत ही मेहनत करी है दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने, और जेकी दादा तो बहुत ही मशहूर है बिड़ू कहने के लिए, जी हाँ दोस्तों। और इसके पश्चात हम आपको दिग्गजों के दिग्गज के यहाँ पर लेकर जाएंगे, जैसा कि हमने बताया आपको। तो दोस्तों आपको जेकी श्रॉफ के घर से, टाइगर श्रॉफ के घर से सीधे चलते चले जाना है, और हम आपको बादशाह खान पठान के यहाँ पर लेकर जाएंगे, सलमान खान के यहाँ पर लेकर जाएंगे, आमिर खान के यहाँ पर लेकर जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, जुहू में भी आपको लेकर जाएंगे, जिसमें कि जय और वीरू का घर, जी हाँ बसंती का घर, सारे घर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, और ये हम आपको बातों बातों में लेकर पहुंच चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें कि शाहरुख खान कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, बादशाह खान, जी हाँ दोस्तों, ये उनका घर मन्नत को हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने अपनी नेम प्लेट जो है मन्नत की बिल्कुल डायमंड टाइप में उसको बनवा कर लोगों के लिए लगा दी गई है, ताकि वो लोग जो भी लोग आते हैं यहाँ पर अच्छे से सेल्फीज वगैरह ले सके दोस्तों। और ये यहाँ की खूबसूरती आप ये देख सकते हैं, मन्नत के सामने से ही ये शॉट लिया गया है। ये पूरा बैंड स्टैंड इस जगह को जाना जाता है। यहाँ पर आने के लिए आप बैंड्रा वेस्ट से दोस्तों बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, और ऑटो रिक्शा के माध्यम से अगर आप आते हैं तो 20 रुपये शेयरिंग लेता है। बैंड्रा वेस्ट स्टेशन के करीब से दोस्तों यहां पर आप आ सकते हैं, और इसी के आगे बैंड्रा वर्ली सीलिंग भी आप जा सकते हैं, जो कि बैंड्रा किला के नाम से जगह जानी जाती है। और ये पूरा बैंड स्टैंड दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से आगे लिए चलते हैं, और ये यहाँ की खूबसूरती बैंड स्टैंड की आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहीं पर राइट साइड में जो है सलमान खान इन्हीं सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं, और बीच में ही पड़ता है रेखा जी और जॉन इब्राहिम का घर। तो चलिए पहले उस जगह को दिखाते हैं, उस लोकेशन को हम आपको दिखाते हैं, उसके पश्चात आपको दिग्गजों के घर भी आपको दिखाएंगे। शाहरुख खान का घर तो आपने देख लिया, और ये जेट प्लेन दोस्तों ये यहाँ पर है, ये फाइटर प्लेन को आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको रुकना है और क्रॉस करके आपको अपोजिट साइड में जाना है, रेखा जी का घर अगर आप देखना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आगे, और लिए चलते हैं आपको जॉन इब्राहिम और रेखा जी का घर दिखाने के लिए। ये सामने आप ये देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, बसेरा, यहीं पर रेखा जी जो हैं रहती हैं दोस्तों ये बसेरा में, और इसी के जस्ट साइड में ही दोस्तों
ये जॉन इब्राहिम का घर है दोस्तों, ये 7th फ्लोर पर यहाँ पर रहते हैं। ये पीछे वाली इब्राहिम बहुत ही अच्छे और सच्चे और वेजिटेरियन इंसान है दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंसान। तो चलिए अब हम सलमान खान और शाहरुख खान के घर के बीच में ही रेखा और जॉन इब्राहिम का घर है दोस्तों। और दोस्तों इसके पश्चात दोस्तों हम आपको लेकर आ चुके हैं आप सबके भाईजान, सबके चाहने वाले, जी हाँ दोस्तों, सलमान खान का घर आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपने जो कभी नहीं देखे होंगे उन चेहरों को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में। यहाँ पर आने के लिए दोस्तों बांद्रा वेस्ट से ही आपको आना पड़ेगा और मात्र 20 रुपये शेयरिंग ऑटो वाला यहाँ पर लेता है। और ये पूरा गैलेक्सी अपार्टमेंट आप देख सकते हैं सलमान खान का। उनके घर से दोस्तों महबूब स्टूडियो जो है मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। कभी कभी तो वो पैदल ही चले जाते हैं, कभी साइकिल से चले जाते हैं। और चलिए हम बताते हैं आपको महबूब स्टूडियो, ये हम राउंड लेकर दोस्तों पूरा आपको लेकर आए हैं। और ये जो चौराहा आ रहा है यहाँ से राइट जैसे ही जाएंगे तो सीधा महबूब स्टूडियो पहुँच जाते हैं। और इसके पश्चात हम आपको इनके प्रोडक्शन हाउस का जो ऑफिस है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए आपको जल्दी से जल्दी थोड़ा लिए चलते हैं और आपको सोहेल खान और सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस दिखाते हैं जहां पर कि ये कास्टिंग किया करते हैं दोस्तों। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं चर्च के करीब में ही। ये सोहेल खान प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इनका ऑफिस है सोहेल खान का। और ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कोरियल रीफ 55, ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है राधे फिल्म। उन्होंने सलमान खान प्रोडक्शन का दोस्तों। और यहाँ पर आकर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, यहाँ पर आप आकर ऑडिशन दे सकते हैं। और इसके पश्चात हम आपको चलिए थोड़ा बांद्रा की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसी शानदार और जानदार जगह लिए चलते हैं दोस्तों, जहां पर आप सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही होंगे। यहां पर ये लेफ्ट में मस्जिद है बांद्रा में, जोगस पार्क के करीब में उनका घर है। और हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जी हां क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर को भी कौन नहीं जानता है दोस्तों। और ये उनका घर है, ये आप ये देख सकते हैं 19A फेरी क्रॉस रोड, ये यहाँ का एड्रेस है। और ये पूरा सचिन तेंदुलकर साहब का घर आप ये देख सकते हैं दोस्तों। कहते हैं ना, जो इंसान मेहनत करता है तो ऊपर वाला भी उसका ख्याल रखता है। और ये सचिन तेंदुलकर का घर और बिल्कुल जोगस पार्क के बिल्कुल पास में ही स्थित है। जोगस पार्क के पीछे की साइड मस्जिद, आप किसी से भी पूछेंगे मस्जिद के अपोजिट साइड में ही थोड़ा सा आगे चलने के पश्चात ये आप सचिन तेंदुलकर के घर दोस्तों आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं थोड़ा सा स्पीड से दोस्तों। दोनों खानों के घर तो आपने देख लिए हैं, शाहरुख खान सलमान खान, और एक और खान बाकी हैं, जी हाँ दोस्तों आमिर खान। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट उन्हें कहा जाता है। और अब हम आपको ये पूरा कार्टर रोड आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और हम आपको लेकर जा रहे हैं आमिर खान के घर पर। और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जी हाँ दोस्तों आमिर खान का घर। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही, यहाँ पर उन्होंने दो फ्लैट जो है खरीदे हैं, पूरा का पूरा फ्लोर, दो फ्लोर खरीदे हुए हैं दोस्तों पूरे। और बहुत ही महंगे घर हैं यहाँ पर। और ये साइड में ही दोस्तों जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, एक और आमिर खान के घर के साइड में ही एक और ये बिल्डिंग ये नज़र आ रही है दोस्तों। ये ऐश्वर्या राय की बिल्डिंग है दोस्तों, ऐश्वर्या राय की मम्मी यहाँ पर रहती है और उनकी खुद की बिल्डिंग है ये ऐश्वर्या राय बच्चन की।
और यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और उस जगह पर आपको लेकर जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर कि शाहरुख खान मन्नत खरीदने से पहले मुंबई में आकर जहाँ पर रहा करते थे, उस बिल्डिंग को दिखाते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है। तो चलिए आपको लिए चल रहे हैं हम आपको जहाँ पर शाहरुख खान मन्नत खरीदने से पहले रहा करते थे। तो हम फटाफट आपको लेकर पहुँच चुके हैं और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये हम आपको ऐसी जगह पर आज लेकर आए हैं, आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा दोस्तों ऐसी ऐसी जानकारियाँ। और ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ये यहाँ ये बिल्डिंग को आप ये देख रहे हैं दोस्तों, और ये जो बिल्डिंग है इसे अमृत बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 7th फ्लोर पर दोस्तों यहाँ पर शाहरुख खान रहा करते थे, और ये देख सकते हैं आप अमृत ए और बी विंग, यहीं पर दोस्तों शाहरुख खान ने मन्नत खरीदने से पहले की ज़िंदगी यहीं पर बिताई है। और ये कार्टर रोड की पूरी खूबसूरती आप ये देख सकते हैं, ये जगह जो है जोगस पार्क से पास ही में है। अब हम आपको लेकर आ चुके हैं जुहू का बहुत ही फेमस होटल JW मैरियट होटल, यहाँ से जुहू के फिल्म सितारों की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम। ये आ चुका है जुहू होटल दोस्तों, ये आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जुहू होटल, जुहू का जुहू होटल बहुत ही पुराना होटल है। और ये लेफ्ट साइड में दोस्तों ये वी होटल है, ये आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वी होटल है। और ये चौराहा जो आ रहा है यहीं से हमें राइट लेना है, यहाँ से राइट लेने के पश्चात जैसे ही राइट लेते हैं इसके पश्चात हमारे बिग बी, जी हाँ दोस्तों हमारे दूसरे कोहिनूर, भारत के दूसरे कोहिनूर का घर यहाँ पर आ जाता है। ये है जलसा श्री अमिताभ बच्चन साहब का घर। अगर आप यहाँ पर आकर उनसे मिलना चाहते हैं तो संडे के रोज शाम को 5 बजे दोस्तों वो बाहर पब्लिक से मिलने के लिए निकलते हैं। आपकी किस्मत होगी तो दोस्तों आप संडे के रोज शाम को 5 बजे यहाँ पर आकर आप उनसे मिल सकते हैं। ये है जलसा श्री अमिताभ बच्चन साहब का घर, और ये यहाँ की खूबसूरत यहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ पर निवास करते हैं। ये वी होटल से देख लीजिए, बिल्कुल चौराहे पर ही ये घर जो है बिल्कुल चौराहे के बिल्कुल करीब में ही है, वी होटल के पास में ही। ये जलसा को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही मेहनत करने के पश्चात दोस्तों श्री अमिताभ बच्चन साहब ने ये बंगलोज बनाए हैं, 3-4 बंगलोज हम आपको दिखाएंगे आज। तो चलिए इसके पश्चात हम आपको लेकर चलते हैं, जी हाँ दोस्तों जय का घर आपने देख लिया, वीरू का घर। सीधे सीधे चलते जाना, एक बस स्टॉप आएगा, बस स्टॉप के साइड से ही हमें लेफ्ट मुड़ना है, पहला ही लेफ्ट वो आता है और बस अमित जी के घर के पीछे ही मैन, जी हाँ दोस्तों धर्म जी, जिन्हें धर्म जी फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं, आप सभी लोग धर्मेंद्र के नाम से उन्हें जानते हैं। तो हम आपको लेकर जा रहे हैं धर्मेंद्र के घर, चुन चुन के दोस्तों आप सारे फिल्म इंडस्ट्री में जितने सितारे हैं ये आप ये रास्ता देखते जाइए। अमित जी के घर की पीछे वाली रो में ही दोस्तों धर्मेंद्र जी का घर है, ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं। यहीं पर सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी यहीं पर निवास करते हैं। हालांकि धर्मेंद्र जी तो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस पर ही ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि वहाँ की आबोहवा बहुत ही खुली है। और इन्होंने भी बड़ी ही मेहनत के पश्चात दोस्तों ये जुहू में घर लेना कोई खाने का काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के पश्चात ऐसा घर नसीब होता है मुंबई शहर में दोस्तों। घर नहीं है, पूरा बंगलो है। और यहीं पर बॉबी देओल, सनी देओल अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। और इसके पश्चात हम आपको इनके घर के पास में ही दोस्तों जो जो भी घर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें राइट लिया और राइट लेते से ही दोस्तों
ये आप धर्म जी का, धर्मेंद्र जी का घर आप देख रहे हैं और इसी के जस्ट सामने, जी हाँ दोस्तों, ये अजय देवगन और काजोल का सपनों का घर शिव शक्ति यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसका रिनोवेशन चल रहा था और बस ये बनकर तैयार हो चुका है और अजय देवगन यहाँ पर बहुत ही जल्द शिफ्ट होने वाले हैं। और ये सामने ही धर्मेंद्र का घर है और जस्ट इसके आगे चलते से ही हमें राइट लेना है और ये हम आपको लेकर चल चुके हैं। और ये जैसे ही राइट आप लेते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज, जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिन्होंने शाहरुख खान की लाइफ बनाई, जी हाँ दोस्तों, यश राज, जी हाँ, यश चोपड़ा और बीआर चोपड़ा दोनों भाई भाई रहे हैं दोस्तों, और उनके बेटे वो आप देख सकते हैं। और इसी रो में अब हम आपको आगे लिए जा रहे हैं और दोस्तों यश जी के घर से ही सीधे आगे चलते चले जाना है और उसके पश्चात हम आपको लेकर जाएंगे आप सबकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के घर। ये हम आपको ये रोड पर लेकर आए हैं, थोड़ा सा लेफ्ट लेकर और सीधे ही वापस हम आपको लेकर जा रहे हैं। जुहू बस स्टैंड के पास में ही दोस्तों हेमा मालिनी जी का घर है, तो ये चलिए हम आपको हेमा मालिनी जी के घर पर लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आप हमारे साथ में एक एक फिल्मी सितारों के घर घूम रहे हैं। आप खुद भी जाएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी और आप इनके घर में पैदल वॉक करते हुए आप पहुंच जाएंगे। बाइक से हमने इसलिए ट्रेवल किया ताकि आपको फिल्मी सितारों के घर, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े और आप इनके घर पहुंच सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हम बाइक पर आपको लेकर आ रहे हैं, वैसे ही आप इस रास्ते को फॉलो करते जाएंगे तो हर एक के घर पहुंच जाएंगे। और इसके पश्चात दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं हेमा मालिनी जी के घर के पास से ही ये राइट लेना है। राइट लेने के बाद में दोस्तों, जी हाँ, डैनी डेंजप्पा का मकान आप सामने ये देख सकते हैं, जिन्होंने कातिया की भूमिका निभाई थी घातक फिल्म में और बहुत ही अच्छे विलन रहे हैं दोस्तों। कुर्बानी फिल्म भी आपने देखी होगी, बहुत ही पुराने और अच्छे कलाकार ये रहे हैं डैनी डेंजप्पा। जी हाँ दोस्तों, ये आप पूरा आप ये देख लीजिए और इसी के जस्ट आगे अब हम आपको लिए चलते हैं, जी हाँ, अमित जी का, जिसमें अमित जी निवास करते हैं, प्रतीक्षा। सभी लोगों को प्रतीक्षा होगी कि एक तो जलसा है और एक प्रतीक्षा, ये बहुत ही फेमस बंगले हैं। हालांकि जुहू में अमित जी के 5-6 बंगले हैं और मेन ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर वो निवास करते हैं। तो चलिए रोक कर साइड में गाड़ी को लगाकर हम यहाँ का फिल्मांकन आपके लिए करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रतीक्षा को यहीं पर अमित जी वॉकिंग टॉकिंग एंड लाफिंग करते हैं और बहुत ही पुराना बंगलो है और वाकई बहुत ही खूबसूरत ये बनाया हुआ है दोस्तों। उनके पिताश्री भी यहाँ पर एक ज़माने पहले श्री हरिवंश राय बच्चन भी यहीं पर रहा करते थे और इसीलिए अमित जी ने इस बंगले को हूबहू उनकी याद में दोस्तों यहाँ पर ये रखा हुआ है। और अमित जी ज़्यादातर इसी बंगले पर शाम को 5 बजे यहाँ पर मुलाकात करते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर अमित जी और जया बच्चन जी यहाँ पर निवास करते हैं और शाम को 5 बजे संडे के रोज़ यहाँ पर लोगों से दोस्तों मिलने के लिए बाहर निकलते हैं और बड़ा ही पूरी रोड पूरी जाम हो जाती है शाम के वक्त। और इसी बंगले से अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और ये पूरा जुहू का अपोजिट साइड में इस बंगले के पूरा ये हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ये रामायणा, जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का घर यहीं पर दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी है, उनकी बेटी, जी हाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने करी है, जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा इसी बिल्डिंग में निवास करते हैं। पूरी बिल्डिंग दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा साहब की है और इन शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बेटों का नाम है लव और कुश
और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ये अनिल कपूर साहब का घर है। रामायण के जस्ट 8 नंबर रोड पर आप आगे जाएंगे तो जैसे ही तो ये अनिल कपूर साहब का घर, आप किसी से भी पूछेंगे तो यहाँ पर अनिल कपूर साहब निवास करते हैं। अब हम आपको इसके पश्चात रामायण की लोकेशन एग्जैक्ट बताते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं इन घरों पर। तो इसके बाद में अब हम आपको लेकर आए हैं शेट्टी टावर। जी हाँ दोस्तों, ये जो चुराया है दोस्तों, यहाँ पर आपने महमूद हास्य कलाकार महमूद साहब का नाम तो आप सभी लोग परिचित होंगे। ये हास्य कलाकार महमूद साहब का चौक है और ये सामने की बिल्डिंग में आप ये रोहित शेट्टी की बिल्डिंग ही आप ये देख सकते हैं। रोहित शेट्टी की इस बिल्डिंग के जस्ट आगे ही रामायण है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का घर, और उसके जस्ट आगे ही अनिल कपूर साहब का घर है। और ये चौराहा दोस्तों हास्य कलाकार महमूद साहब चौक के नाम से जाना जाता है। और इसके पश्चात हम आपको लिए चलते हैं, जी हाँ दोस्तों, अक्की अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार के घर, जो कि बिल्कुल जुहू बीच पर स्थित है। ये सामने आप ये देख सकते हैं दोस्तों, नोवेटल होटल के जस्ट साइड में ही ये बिल्डिंग स्थित है। इस बिल्डिंग को आप गौर से देख लीजिए और इसी में फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर अक्षय कुमार रहते हैं, थर्ड फ्लोर पर ऋतिक रोशन रहते हैं। और ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर दोस्तों अक्षय कुमार ने पूरे 2 फ्लैट इस बिल्डिंग में ले रखे हैं। और यहीं पर दोस्तों वो सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग वगैरह यहाँ पर किया करते हैं। चलिए अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लगता है इनकी बिल्डिंग का, और नाम क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। और ये पूरी बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं, अक्षय कुमार की खूबसूरत बिल्डिंग। यहीं पर साजिद नडियाडवाला भी 5th फ्लोर पर यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, और जो कि प्रोड्यूसर हैं। और इनकी बिल्डिंग का नाम दोस्तों अक्षय कुमार ऋतिक रोशन जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग का नाम ये आप ये देख सकते हैं प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1। बहुत ही, आप गूगल में भी आप डालेंगे तो वापस आप इस जगह पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जुहू चौपाटी की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, यहाँ से बैंड्रा वर्ली सीलिंग की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं। ये लीजिए, आपको जुहू साइड से सी फेसिंग की साइड से हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहीं पर विराट कोहली अनुष्का शर्मा 5th फ्लोर पर निवास करते हैं, और जो है कैटरीना कैफ जो है 8th फ्लोर पर विकी कौशल के साथ में निवास करती है। और यहाँ की खूबसूरती दोस्तों देखते ही बनती है। और सबसे टॉप फ्लोर पर इस बिल्डिंग के स्विमिंग पूल है, जिसमें कि बड़े हर इंसान का सपना रहता है। और ये मुंबई से जितनी भी फ्लाइट है यहीं से टेक ऑफ की जाती है। हर इंसान का सपना रहता है जो भी मुंबई शहर में आता है एक्टर बनने के लिए, कि वो सी फेसिंग घर ले। और ये जुहू बीच की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में हम आपको आगे लिए चलते हैं जहां पर और भी फिल्मी सितारों के घर है, और ये जुहू बीच की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बैंड्रा लिए चल रहे हैं। हम आपको लेकर आ चुके हैं बैंड्रा। ये है रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण का घर। ये मन्नत शाहरुख खान के घर के पास में ही स्थित है दोस्तों ये घर। बैंड्रा वेस्ट का ये है जोगस पार्क। यहाँ पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे यहाँ पर शाम के वक्त घूमने के लिए आते हैं। और जोगस पार्क के पास में ही एक पुराने ओल्ड इज गोल्ड का घर यहाँ पर स्थित है दोस्तों। पहले ये दिखा देते हैं हम आपको, और उसके बाद में पूरा पाली हिल लेकर जाएंगे। ये प्रेम चोपड़ा साहब इस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर दोस्तों निवास करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर श्रवण जोशी रहते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर। तो चलिए ये हम आपको दिखाते हैं, और ये पूरा आसपास का क्षेत्र यहाँ का आप ये देख सकते हैं। ये श्रवण जोशी जो है फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों रहते हैं, और यहाँ से दोस्तों हम पाली हिल पर कहाँ पर दिलीप कुमार साहब रहा करते थे,
और संजय दत्त, रवीना टंडन, संजीव कुमार और साथ में आपको दिखाएंगे करण जौहर का घर और अमजद खान का घर। चलिए हम आपको जल्दी से जल्दी आपको लिए चलते हैं यहाँ से पाली हिल। ये लेफ्ट में ब्लू कलर का एक बंगलो आएगा, वहीं से हमें ये लेफ्ट लेना है। ये आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर का बंगलो, यहाँ पर शूटिंग्स वगैरह भी हुआ करती हैं। यहाँ से ये लेफ्ट ले लिया हमने और लेफ्ट लेने के पश्चात दोस्तों बस थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं जुबली कुमार, जिन्हें कि राजेंद्र कुमार साहब के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको आज उनका जो है यहीं पर डिंपल थिएटर भी था और ये है भी, और यहीं पर राजेंद्र कुमार साहब निवास किया करते थे दोस्तों। और बस उनकी यादें हैं, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं, इसीलिए उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था। और ये पास ही में ये एड्रेस आप देख लीजिए, और ये जस्ट इनके पास में ही ये बिल्डिंग है। और ये प्रेमनाथ, आपने सिनेविस्टा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, उनके मालिक हैं प्रेमनाथ दोस्तों। आज उनके बेटे संभाल रहे हैं, पूरी बिल्डिंग प्रेमनाथ साहब की ही है। अभी उनके बेटे जो सिनेविस्टा कंपनी जो है और वो पूरी संभाल रहे हैं दोस्तों। प्रेमनाथ जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और इसके पश्चात दोस्तों जितेंद्र जी पाली हिल पे पहले यहाँ पर रहा करते थे। राइट साइड में दोस्तों ये बंगला आ रहा है, ये जो गेट येलो कलर का, ये राइट साइड में जो येलो कलर का बंगलो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जितेंद्र जी रहा करते थे एक समय पहले, लेकिन अभी तो वो जुहू में चले गए हैं। और उनका ये घर हुआ करता था, और ये रणबीर कपूर का घर जिसमें ऋषि कपूर, नीतू सिंह रहा करते थे। राइट साइड में ये पेड़ के पास में ये जो रेड कलर का है, ये पूरा घर रणबीर कपूर का घर है दोस्तों। और यहाँ पर वो यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं, नीतू सिंह के साथ में। और इसी के पश्चात दोस्तों अब हम आपको दिलीप कुमार साहब के घर लेकर चलेंगे। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान रहे हैं दोस्तों, और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी फिल्में दी हैं। ये पूरा जो लेफ्ट साइड में आप ये देख रहे हैं, ये उन्हीं की पूरी प्रॉपर्टीज़ है। एक एकड़ में दोस्तों ये उनका बंगला था, अब इसको तोड़कर यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। और हम आपको दिखाएंगे वो घर जिसमें कि दिलीप कुमार साहब आखिरी में सायरा बानो जी के साथ में रहा करते थे। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं, और यहीं पर संजय दत्त रहते हैं। तो पहले आपको संजय दत्त के घर आपको लिए चलते हैं दोस्तों, और उसके पश्चात हम आपको दिखाएंगे दिलीप कुमार साहब का घर। और आपने करण जौहर, रवीना टंडन, संजीव कुमार, अमजद खान का घर दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत सारे कलाकारों के घर आज आपको ए टू जेड दिखने वाले हैं। और ये संजय दत्त का घर इम्पीरियल हाइट के नाम से दोस्तों, ये पूरी बिल्डिंग संजय दत्त की है। ये आप ये देख लीजिए, ये पूरी संजय दत्त की बिल्डिंग है। और इससे जैसे ही वापस हम चलेंगे यहाँ से, इसके पश्चात दोस्तों बंगला आता है दिलीप कुमार साहब का, जो कि सोलिटेयर पार्क के नाम से है, जिसमें कि सायरा बानो के साथ में वो आखिरी समय में दोस्तों यहाँ पर रहा करते थे। तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं, ये सोलिटेयर पार्क। और यहाँ पर ये अंदर बंगलों को आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ही निवास किया करते थे सायरा बानो जी, यहीं पर निवास करती हैं अभी भी। और ये अब हम आपको लेकर आ चुके हैं नासिर हुसैन, जिन्होंने यादों की बारात फिल्म बनाई थी दोस्तों। जी हाँ, ये लेफ्ट साइड में पूरा बंगला नासिर हुसैन साहब का है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म यादों की बारात बनाई थी, जिसमें कि अपने चाहते धर्मेंद्र धर्म जी थे दोस्तों। और बहुत ही अच्छी फिल्म रही है। और इसके पश्चात दोस्तों अब हम आपको लेकर आ चुके हैं, ये कमाल अमरोही साहब का घर है लेफ्ट साइड में, जिन्होंने पाकीज़ा फिल्म बनाई थी दोस्तों। और उनका स्टूडियो भी है अंधेरी में,
जिसे कि कमालिस्तान स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर रवीना टंडन राइट साइड में रहती हैं। रवीना टंडन यहाँ पर दोस्तों निवास करती हैं, और ये अब हम आपको लेकर पहुँचने वाले हैं दोस्तों ये संजीव कुमार साहब के घर। ये आप ये देख लीजिए, ये संजीव कुमार साहब का घर है। और दोस्तों संजीव कुमार साहब के घर के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, शोले के ठाकुर को तो आपने देख लिया, लेकिन गब्बर सिंह का घर कहाँ पर अमजद खान साहब रहा करते थे, वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। संजीव कुमार साहब के घर से जैसे ही आप आगे चले जाएंगे इस गली में दोस्तों, ये इस गली में लेफ्ट साइड में ही चौथे नंबर का बंगला है अमजद खान साहब का, और उनकी यादें हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं दोस्तों। और चलिए अब हम आपको यहाँ से ये पूरा का पूरा, आप ये पाली हिल पर ये बसे हुए हैं जितने भी कलाकार हैं उनके घर हम आपको दिखा रहे हैं आज, और आपको एक बहुत ही बारीकियाँ बता रही हैं। ये स्मिता पाटिल की बिल्डिंग है राइट साइड में दोस्तों, स्मिता पाटिल की बिल्डिंग, और इसके पश्चात जो जो भी घर आएंगे हम आपको पूरा आपको डिटेलिंग में आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, और ये अब हम आपको लेकर आ चुके हैं, शाम ढलने को है और पाली हिल से ये हम आपको लेकर आ चुके हैं कार्टर रोड। ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और ये अब हम आपको बताते हैं कहाँ पर करण जौहर की बिल्डिंग है दोस्तों। और चलिए थोड़ा सा आगे चलने के पश्चात आपको बताते हैं ये पूरा कार्टर रोड, और सूर्य जो है अस्त हो रहा है, और शाम होते होते तो मुंबई शहर के नज़ारे बड़े ही आनंदमय हो जाते हैं। और बस अब हम आपको लेकर ये आ चुके हैं दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में ये करण जौहर की बिल्डिंग है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में आप ये देख रहे हैं। यश जौहर इनके डैडी, जिन्होंने दोस्ताना फिल्म का निर्माण किया था, और आज करण जौहर इतनी बुलंदियों पर हैं। और ये नौशाद साहब का जो संगीत सम्राट ये बंगला है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, और संगीत सम्राट इन्हें कहा जाता था दोस्तों। और ये आमिर खान की बिल्डिंग, ये आप ये देख सकते हैं, इसमें आमिर खान रहते हैं। और इसी के साइड में दोस्तों जो बिल्डिंग है आमिर खान के साइड में ही, इसे ऐश्वर्य राय की बिल्डिंग है दोस्तों, ये खुद की, यहाँ पर उनकी मम्मी यहाँ पर रहती हैं। और ये पूरा कार्टर रोड का खूबसूरत नज़ारा आप ये देख रहे हैं, और अब हम आपको ऐसी बंगले पर लेकर चल रहे हैं जिसे कि रंगीला फिल्म में शूटिंग के दौरान यूज़ किया गया था। आमिर खान उर्मिला मातोड़कर से मिलने आते हैं, इस बंगले को शूटिंग में यूज़ किया गया था। ये रंगीला फिल्म आपने देखी होगी जिसमें आमिर खान और उर्मिला मातोड़कर थे, और इनके जो डायरेक्टर थे दोस्तों राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाई थी। और ये यहाँ की खूबसूरती मुंबई शहर की कार्टर रोड की। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मुंबई के विषय में जो जानना चाहते हैं और एक्टरों के घर देखना चाहते हैं। तो गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।